दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आपका होस्ट। आज अपन रिव्यू करेंगे कि एल आर ट्रेडिंग एंड मोरिस कॉइन की। क्या हमें इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या अपना पैसा सेफ एंड सिक्योर है? देखते हैं प्लान के बारे में और कंपनी के बारे में। दोस्तों प्लान क्या है इनका? प्लान वैलिडेशन क्या है? 300 वर्किंग डेज एंड डेली पे आउट्स सिस्टमेटिक तरीके से और डेली 0.5% से लेकर 2% ROI। वन मोरिस कॉइन की रेट 1500 रुपये INR रखी गई है इन्होंने और मिनिमम परचेज 10 कॉइन, यानी कि आप यहां पर 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर इनका मोरिस कॉइन अगर अपन चेक करें किसी एक्सचेंज के ऊपर, तो मैंने पाया कि इनका कोई कॉइन एक्सचेंज पर लिस्टेड ही नहीं है। तो दोस्तों इतना महंगा कॉइन कैसे? इसकी जो प्राइस है वो INR में ही क्यों है? क्योंकि कॉइन वर्ल्ड वाइड चलता है, तो इसका प्राइस डॉलर के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, INR के अंदर, अलग अलग देशों में अलग अलग होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, इस सिस्टम में वो ही इन्वेस्ट करें जिसको अपना पैसा डुबाने की हिम्मत रखता हो। उतना ही पैसा लगाएं जितना वो डुबाने के लिए क्षमता रखता हो, अन्यथा आपका पैसा डूबने तो वाला है ही। इनका सेकंड, इनको दिल्ली से 75 से 300 रुपये की ROI आएगी। दोस्तों ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बना नहीं है मार्केट में जिसने कहा हो कि हम 300 दिन तक पैसा देंगे। पहले इनका कॉन्सेप्ट एलआर ट्रेडिंग चला करता था, उन्होंने इसको अपडेट कर करके अभी मोरिस कॉइन के नाम से एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान लॉन्च कर दिया है। जो अभी क्या होगा, जब भी कोई प्लान अपडेट होता है पुराने वाले देखते रह जाते हैं और नए में चलता रहता है। दोस्तों बहुत बड़ा रिस्क है एक तरह का, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अपन बात करते हैं इनकी कंपनी के वेबसाइट के बारे में चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। दोस्तों इनकी जब वेबसाइट पे पहुंचा तो देखा कि मैंने अबाउट्स के अंदर जब अपन जाते हैं, एज एक नॉर्मल वेबसाइट यानी कि प्रॉपर वर्क से देखा जाए तो इन्होंने इतना कुछ इस पर लिख भी नहीं रखा, यानी कि स्टडी मोजो का एक इन्होंने लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसका सहारा ले करके आप लोगों से अच्छी खासी इनकम लूट रहा है। दोस्तों आपके लिए बताना चाहूँगा मैं कि जैसे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इतना खास इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखा। जैसे इन पर अपन क्लिक करते हैं, ओनली फॉर फोटोज शो करती है और बाकी का कुछ नहीं है। दोस्तों लीगल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वेबसाइट पे दिखा नहीं रखे हैं। कॉन्टैक्ट अस पे लॉगिन के ऊपर अपन ये लॉगिन पे जैसे करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम, यानी कि जैसे कि एम्बलम का टॉपिक्स खुल जाता है। और यहाँ पर आप ऐसे ID नहीं लगा सकते, पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर ही आपको ID लगेगी। दूसरी ओर देखें, अगर अपन इसकी मोरिस कॉइन के ऊपर जाएं तो अपन अगर इनकी मोरिस कॉइन की जैसे अपन वेबसाइट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी कोई इतना खास नहीं लिखा हुआ इनका, एकदम सिंपल ही बनाया हुआ है। ब्लॉकचेन के बारे में बताया हुआ है, ICO के बारे में फुल्ली डिटेल भी नहीं दी इन लोगों ने, ठीक है। एक नॉर्मल चीज़ है, ये आपको गूगल डाटाबेस पे मिल जाएगा दोस्तों, एंड ब्लॉकचेन के बारे में भी ये आपको पिक्स अगर आप चाहें तो आपको डाटाबेस के ऊपर मिल जाएगा। दोस्तों जहाँ तक लगने वाली बात है, यहाँ पर कोई इतना आपको आने वाले टाइम में ग्रोइंग पावर नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर अपन चेक करेंगे मोरिस कॉइन रेट प्राइस, तो
अगर अपन मॉरिस कॉइन के अब जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी इसका कोई नाम पता ओनली फॉर इनका खुद का वेबसाइट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर आपको एक ही बहुत बड़ा स्कैम देखने को ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पर अपने उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना कि आप उसको डुबाने की क्षमता रखते हैं। मैं अपने पहले ही, जैसे कि मैंने एल्कोर का वीडियो डाला था 1 मंथ पहले, तो लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप ये गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कंपनी को लेकर के, कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, कंपनी में लाखों रुपए कमाने वाले हैं। बट आज अगर देखें तो एल्कोर इस दुनिया में नहीं रही और काफ़ी पुअर पर्सन्स का भी पैसा इसमें लग जाता है। जो भी लीडर्स हैं उनको एक रिक्वेस्टेड है मेरी कि कोई भी गरीब पैसा नहीं लगाएं, गरीब लोगों का पैसा न लगाएं, इतना पैसा न लगाएं या फिर ब्याज पर लेके पैसा न लगाएं और किसी से उधार पर पैसा लगा न लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी टीम में शेयर कीजिए।